चाचा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं चाचा? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी करीम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है बेटा। चाचा आप ऑलमोस्ट फरमाइए। ऑलमोस्ट परेशानी हल ही हो गई, मतलब आपा तो बाहर ही निकल गई। हाँ, परेशानी हल हो गई है भाई, लेकिन लोग जो हैं, मैं 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जी, शुरू से एक मसला चल रहा है। जब हाँ हमने और आपने शुरू में आपा के फेवर में काम शुरू किया था, हाँ तब हाँ भी लोगों ने 2 ग्रुप में बांट दिया। हाँ एक को कहा कि भाई ये प्रो है, और ये जो है दूसरे जो है उनको हाँ एंटी एंटी प्रो का एंटी एक, हाँ प्रो का मसले में डाल दिया, और दोनों को तकसीम कर दिया, डिवाइड हाँ डिवाइड करके ताकत तोड़ दी। हाँ अब जब इतने दिनों के बाद, 3 साल तकरीबन, 2.5 साल तो मैडम जेल में रहे, 6 महीने उससे पहले लोगों ने प्रॉब्लम्स उठाए। अब जब वो रिलीज हुई हैं, तो लोगों ने फिर एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया कि भाई कंप्लेंटर को मिलेगा, नॉन कंप्लेंटर को नहीं मिलेगा, फिर डिवाइड कर दिया। चाचा, अब ऑर्डर पे जब तो तो क्लियरली पैसा, ये लिखा है, ऑर्डर पे तो क्लियरली ये लिखा है, जब तक आपा उस दिन तक का, मतलब जब ऑर्डर निकला था उस दिन तक का, जिस जिस 19 तारीख को, लोगों ने, हाँ जिस जिस जी लोगों ने कंप्लेंट किया है उसी को पैसा मिलेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है, और उसको 42 डेज या 40 डेज का कुछ पीरियड मिला है, टाइम मिला है। देखो करीम, ऐसा है बेटा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है क्या, लेकिन पैसा देने वाली जो है नवेरा है। हमने पैसा किसको दिया? कोर्ट को तो नहीं दिया, नहीं दिया, बराबर नवेरा को दिया। जब वो एडमिट कर रही है कि भाई मैं ईच एंड एवरी इन्वेस्टर का पैसा दूंगी, है ना, तो हमको जैसे हमने उसकी शक्ल देखे बिना उसका एतबार करके उसको पैसा दिया, हाँ ठीक है भाई, और उसके साथ हमने कंटिन्यू किया। कुछ लोगों ने 6 साल कमाया, 7 साल कमाया, कुछ लोगों ने बस डाला और डिजास्टर आ गया, है ना भाई। तो अब यहाँ पे ये मसला है कि हम चाहते क्या है कि नवेरा को वापस जेल भिजवा देना। हम ये चाहते हैं कि वो जेल चली जावे। हम ये चाहते हैं कि भाई उसकी प्रॉपर्टी बेच के ही वो पैसा दे। अगर उसमें ये ताकत है कि वो पैसा दे सकती है, उसकी सोर्सेस हैं, तो हमारा मकसद सिर्फ पैसा है। हाँ और नवेरा अगर दे रही है तो कोर्ट से नहीं चाहिए पैसा। अच्छा, नहीं, अगर चाचा नवेरा पैसा, जी एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है कि मतलब शायद से जो लिम्रा टाइम्स की लड़ाई है वो भी इसी में रही कि किसी हाल में कंप्लेनर नॉन कंप्लेनर सबका पैसा मिल जाए, और आप भी शायद से उसी के लिए कोशिश किए कि भाई मेरा पैसा तो मिल ही जाएगा लेकिन नॉन कंप्लेनर का भी जो जो इंटरेस्ट जो इसमें कोई प्रॉब्लम में नहीं पड़ रहे हैं उनका भी पैसा मिल जाए, जो ये झंझट में नहीं पड़ रहे हैं उनका भी पैसा मिल जाए। ये लड़ाई तो अपनी शुरुआत से रही है, लेकिन अभी अभी एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि लास्ट लास्ट कुछ उनके जो सो कॉल्ड एजेंट है उन्होंने ऐसा एक वीडियो बनाया कि मतलब अभी कंप्लेनर्स को मिल जाएगा, नॉन कंप्लेनर्स को बाद में मिलेगा, आप एहतराम करिए। ये जैसा चल रहा है ट्रेंडिंग वैसी चल रहा है, वापिस गुमराह होने का काम हो रहा है। एक्चुअली करीम भाई, देखिए शुरू से एक मसला चल रहा है। शुरू से अगर ये मसले को हल कर लेते हैं ना भाई, तो ना शाबाश शाबाश बनता और ना कोई आदमी वो हाइट पे जाता जो हाइट उसने आज हासिल कर ली है। सिर्फ एक्चुअली एक्चुअली एक वीडियो ऑडियो इनके खानदान की तरफ से आ जाता कि भाई बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पैनिक मत होइए, सारा इंतजाम है, बस नवेरा के बाहर आने की देर है। और हाँ, ये कोशिश मैंने भी की, आपने भी की, आप मेरे साथ कितने सफर किए, तिरुपति बराबर का सफर किया, हैदराबाद का सफर किया आपने, हाँ, बराबर लोकल कोर्ट्स में हम लोग कितनी बार मिले। मैंने यही कोशिश की कि एक दफा एक ऑडियो अगर आ जाता है इनके खानदान में से किसी की भी तरफ से, हाँ तो ये मसला हल हो जाता है, खत्म, बराबर है, सब बराबर जीरो पे आके खड़े हो जाते हैं। बराबर है, फिर ना किसी को शाबाश की जरूरत रहती है, ना कलीम की जरूरत रहती है, ना लिबरा की जरूरत रहती है, ना किसी की रहती है, बराबर क्योंकि खानदान का कोई बोला नहीं। इसलिए हर एरा गैरा नत्तु खैरा, वो नवेरा का आदमी बन के बैठ गया, हीरा कोट का आदमी। लेकिन अब अभी यहाँ जो चाचा लोग बोल रहे, जी फरमाइए। जी, चाचा अभी का नया ट्रेंडिंग ये है कि मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि जो जो अपनी वीडियो बना रहा है उसको पैसा पहले मिलेगा, ये कहां तक सच है सच? अरे भाई, वीडियो बनाने से अगर पैसा मिलता भाई, तो हर आदमी वीडियो बना रहा है। बराबर है, कौन नहीं बना रहा है बताओ ना, कलिंगड़ बराबर वाला भी बना रहा है, पेरू वाला भी बना रहा है, हाथगाड़ी बराबर वाला भी बना रहा है, सब लोग बना रहे वीडियो। उनसे पूछो भाई कितने लोगों को पेमेंट मिली है। हाँ ये एक ऐसी खुजली है कि हर आदमी खुजा रहा है इसको, हाँ जिसको कुछ मालूम है। हाँ लोगों ने अपने घर से कदम बाहर नहीं निकाला, लेकिन जब बात करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो ऐसे लगता है कि पूरे का पूरा जो हीरा गोल्ड का निचोड़ है इनके पास एक्चुअली तो है। क्या अभी अभी एक्चुअली इन्होंने, चाचा मेरे को कोर्ट के ऑर्डर के बारे में जरा समझाइए, आपको क्या समझ में आया और मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश मैं करूँ। देखो बेटा सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, और बहुत अदब से, मैं किसी भी इन्वेस्टर को हर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना कंप्लेंटर को,
नॉन कंप्लेंटर को, मैं सबको ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई हम अगर नवेरा शेख पे भरोसा करके पैसा दिए, और जिसने कंटिन्यू कमाया और जिसने नहीं कमाया, दोनों लोग एतबार करके बैठे, 1% लोगों ने भी कंप्लेंट नहीं किया, सभी ये बोलते रहे कि बाहर आएगी तो देगी, बाहर आएगी तो देगी। अब जैसे ही बाहर आई, आप डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 गिन रहे हो। बराबर आप क्या चाह रहे हो कि मतलब वो 6 हफ्ते पूरे हो जेल चले जाए, जेल जाने के बाद क्या आपको पैसा मिल जाएगा? मगर चाचा, बताइए ना। अच्छा लॉजिकली नहीं, ये लॉजिक, मैं बात पूरी, हाँ बोलिए 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 मैं ये लॉजिक पूरा कर देता हूँ सर। बोलिए बोलिए। चलो ये चले गए वापस अंदर। हाँ, कंप्लेंट का जो पैसा है कोर्ट क्या आपको फौरन दे दे रहा है, आपके अकाउंट में आ जा रहा है पैसा। ये लेडी आपसे प्रॉमिस कर रही है कि भाई मैं डिजिटल अकाउंट बना रही हूँ, आपके अकाउंट्स में पैसा मैं डाल दूंगी, मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मैं काम कर रही हूँ, अच्छा ये काम कर रही है वो कह रही है। देखिए, अगर वो बहाना बहानाबाजी बनाती तो बोलती भाई मेरे को डायबिटिक है, और मेरे को अभी जब मैंने बाहर आके चेक कराया तो मुझे ये कोविड का भी थोड़ा सा असर है, अभी हाँ मैं क्वारंटाइन हो जाती हूँ, हाँ हाँ कुछ भी बहाने थे भाई, मेरे घर में कोई बीमार है, बोल सकती है ना भाई। नहीं चाचा, ये एक्चुअली मतलब पहले से ये उड़ती खबर आई है कि वो मेडिकल लेवल पे 42 डेज के बाद में मेडिकल लेवल पे कहीं ना कहीं छुट्टी लेने वाले, ये मतलब ऐसा बात तो हो ही रही है। देखिए, शैतान है ना भाई, हमारे आपके सबके दिलों पे उसका कब्जा है, और वो बदगुमानी पैदा करता रहेगा, उसका काम है। अगर आपको पैसा चाहिए और नवेरा कह रही है कि भाई मैं एडमिट करती हूँ कि मैं तुम्हारा पैसा ली हूँ और तुमको दूंगी वापस, हाँ एक एक इन्वेस्टर का पैसा मैं पहुंचाऊंगी, तो इंतजार करना बेहतर कि इसको जेल भिजवा देना बेहतर? चाचा, मुझे एक चीज ये समझा दीजिए कि 42 डेज के अंदर जो कंप्लेनर है, कंप्लेनर को पैसा मिलना ही मिलना है, बराबर है? देखिए सर, ये सिर्फ कोर्ट का ऑर्डर है कि हाँ पैसा 6 हफ्ते में दे कंप्लेंटर का जाए, आप सेटल कर दीजिए, ठीक बराबर। है? 6 हफ्ते में कंप्लेंटर के अकाउंट में पैसा नहीं आने वाला। पैसा अच्छा अगर कोर्ट में भी डिपॉजिट होता है हाँ तो वो फिर वो गवर्नमेंट के अकाउंट्स में जाके वो जमा हो जाता बराबर है। है। अभी इससे पहले कितनी कंपनीज हैं, जैसे वो सहारा है, हारा है, हाँ हाँ सहारा, कितने साल हो गए उसमें पैसा जमा कराया, उसने मिला आज तक पैसा किसी को? तो मतलब कंप्लेनर का ये हाल है, नॉन कंप्लेनर को कैसा मिलेगा चाचा? मेरा एक सवाल है चाचा, एक छोटा सा सवाल है। ये जो कंप्लेनर है उसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि 42 डेज के अंदर इनको पेमेंट करना है, ठीक है? लेकिन उसके बाद में नॉन कंप्लेनर के लिए कोर्ट ने कुछ बोला नहीं है। नॉन कंप्लेनर के लिए शायद से ये सेंटेंस यूज किया, अगर आपको कंटिन्यू करना है तो बिजनेस आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो प्रॉपर्टी थी, जो आपा के नाम पे प्रॉपर्टी थी, वो तो मतलब कोर्ट के नजर पे है, वो कोर्ट के अंदर है कहीं ना कहीं। जी और जी जो जो आपा बोल रही है कि मैं बाहर निकल के नॉन कंप्लेनर का भी पैसा दूंगी, नॉन कंप्लेनर के लिए एसेट है या नहीं है ये बताइए आप। देखिए सर, उसके पास फंड्स नहीं है ये मैंने कभी भी नहीं बोला। मैंने हमेशा ये बोला कि भाई वो रिजर्व बैंक है। अच्छा आपने जितने भी वीडियोस देखे होंगे, मैंने कभी नहीं बोला कि वो क्लैश है, अच्छा बैंकक्रप्ट है, कभी नहीं बोला मैंने। मैंने हमेशा ये बोला कि भाई ये लोग जो है ये रिजर्व बैंक है, इनके पास पैसा है और ये अच्छा देंगे पैसा, अच्छा ये पैसा देंगे। आप मेरे सारे वीडियोस देख लीजिए, मैंने कभी नहीं बोला कि ये खत्म हो गई है, लुट गई है, इसके पास कुछ नहीं है, इसने इलेक्शन लड़ा, ये मैंने नहीं बोला। आपके साथ भी जितनी बातें हुई है करीम भाई, चांद भाई के साथ हुई है, सलीम भाई के साथ हुई है, मैंने कभी नहीं बोला इनके पास पैसा नहीं है। बराबर पैसा है इनके पास क्या, और ये देंगे भी। मेरी जो बात थी सिर्फ इतनी थी, जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा बेचैन बेकरार हो गया, कि हाँ हम जब सही नहस पे काम कर रहे थे, नवेरा शेख की इजाजत के बगैर मैं कोई काम नहीं करता था, उनसे पूछ के जिनसे बराबर है, भी बराबर। मुलाकात किया हाँ ये मैंने, तो मैंने भी देखा है, बराबर राजा सिंह होवे या अवेसी होवे या शहबाज होवे, हाँ भाई जिन जिन से मैं मिला नवेरा शेख से, उन्होंने मुझे फाइनली बोला कि चाचा किसी से भी मिले मुझे कोई एतराज नहीं, मैं किसी की दुश्मन नहीं, कोई मेरा दुश्मन नहीं, बराबर है, आप फ्री है मेरी तरफ से। बराबर। तो लोग जो गालियां देते थे, मैं अब उनके नाम तो नहीं दोहराता, उन्होंने बदसन कर दिया। जहां अपन जाते काम करने के लिए, वापस आते तो आप तिरुपति गए थे मेरे साथ, बराबर, कितने घंटे रुके और क्या लेके आए उधर से? कुछ नहीं वहां से लिखा, आते बोले भाई 50 लाख लेके आया, ये लेके आया, वो लेके आया, तो आदमी को गुस्सा आता है ना भाई। बराबर है, तिरुपति की मेहनत में आप शामिल थे भाई, कितना मेहनत किए, कितना गाड़ी चलाए, नॉनस्टॉप हाँ गाड़ी चले, फिर पनवेल में हादसा भी हो गया। और चाचा इतनी। मतलब चाचा एक चीज ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये तोहमत लग रही है लिमरा टाइम्स को पैसा मिला है,
ये कहां तक सच है भाई? नहीं मेरा भाई, मैं लिम्रा टाइम्स के लिए तो गवाही देता हूँ कि आप जब तिरुपति गए तो आपने कहा उनसे, अब्दुल अजीज साहब से, अब्दुल अजीज साहब से आपने कहा कि भाई मैं तो एक मामूली आदमी हूँ और ये काम करता हूँ प्रेस का, तो इतना मैंने अभी तक खर्च कर दिया है क्या, तो हाँ। आप लोग बिल्कुल भी मैनेज नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत तकलीफ हो जाएगी। उन्होंने बराबर। कहा कि भाई जो भी है आप आके देगी, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, आप देगी आके, मेरे सामने की बात है, मैं गवाह हूं इस बात का। तो वही चाचा, मतलब ये लोग समझते नहीं, ये लोग, ये लोग को ये लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं मैंने पैसा ले लिया है, तो ये सब मतलब तोहमत लग रहा है बगैर मतलब का। कोई क्यों ऐसा कर रहा है, मतलब ये क्या है, मतलब आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, क्या हो क्या रहा है चाचा, मैं उसको समझा। ऐसा नहीं है भाई, कुछ लोगों को हीरो बनना है तो वो हीरो बनने के लिए तुम्हारे मेरे जैसे लोगों को उन्होंने दबा दिया, कुचल दिया, आखिर में यहाँ तक आ गया कि फैमिली पे उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, तो घर वालों ने ही पकड़ लिया हाथ के, भाई बस अब और नहीं, और वीडियो नहीं बनाना और नहीं बोलना, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो छोड़ दो अल्लाह के हवाले। बराबर इतने दिन की खामोशी के बाद सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि अब जैसे ही ये बात बिगड़ी, तो जितने पुराने कॉलर्स थे जो लोग एतबार करते थे वो सारे के सारे कॉल करते हैं भाई, सुबह से लेके रात तक वही मामला हो गया, चाचा प्लीज बता दो, चाचा प्लीज बता दो क्या होगा, हम पहले भी आपके वीडियो देखते थे। तो मैंने यही समझाया भाई कि अल्लाह का एतबार कर, अल्लाह के वली, वो पैसा जिसको तूने दिया वो कह रही है मैं देती हूँ, बराबर। हाँ अल्लाह भी कह रहा है कि भाई अपने कर्जदार को मोहलत दो, और जब मोहलत देता है आदमी तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है। बराबर तो बराबर जब वो कह रही है, अगर वो ये कह दे कि भाई नहीं देती, मैं कलाश हो गई, मेरे पास कुछ नहीं है, जो करना है कर लो, मेरे को सजा दे दो, फिर करेंगे सब जो जिसको जो करना है। अच्छा चाचा, मुझे ये हाँ लगता है, मुझे ये लगता है कि जो अभी जो फंड्स देने की बात हुई है 42 डेज में, ये लोग को भी फंड ऐसे ही मिलेगा कि भाई इतना बेनिफिट हो गया आपका, इतना बचा हुआ है वो पैसा मिलेगा। आपको कैसा लगता है, मतलब जो बेनिफिट नवेरा आया शेख ने, नवेरा शेख ने ये बात नहीं कही भाई, ना? नहीं कही, नहीं कही, नवेरा शेख ने कही नहीं कही, कही किसे कि भाई तुम्हारा काट के देती पैसा, नहीं नहीं बोली। नहीं बोल। ये जो भी हो रहा है पुलिस स्टेशन में जब आप जाते हैं भाई, तो वहां पे वो लोगों ने ये सब फॉर्म्स बना के रखे हैं, हाँ कभी डाला, फला साल में डाला, कितना अच्छा बेनिफिट? कितना डाला, इतना डाला, कितना मिला तुमको अभी तक, इतना मिला, अभी बचा कितना, इतना बचा, ठीक है, अच्छा साहब ये जो बचा हुआ है ये कब मिलेगा वो मालूम नहीं भाई। अच्छा अभी जब ये जजमेंट आया तो भाई मैंने उनसे बात की, सर से, मैं दोबारा नाम नहीं लूंगा, वीडियो है ये, जिन्होंने केस रजिस्टर किया था उनसे मैंने बात की, मैंने बोला कि सर वो छूट रही हैं तो उनकी बेल हो गई और वो बाहर आ रही हैं। बोले अच्छा हो गई बेल, मेरे को मालूम ही नहीं, बोले कैसा अच्छा हो गई बेल, बोला सर आपने तो बोला था कि 3 साल और रहेगी जेल में, ऐसा वैसा, तो बोले नहीं मेरे को तो मालूम ही नहीं कि उसकी बेल हो गई। ठीक है, अब वो सारे केस जो थे ना भाई, अब हाँ वो मीरा रोड में भी ईओडब्ल्यू का ऑफिस बन गया, यहाँ ट्रांसफर हुए, तो यहाँ का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनसे हाँ मैंने जाके पूछा कि, मैं बोला भाई अभी ये जो जजमेंट आया है ये जजमेंट है पढ़ लीजिए, मैंने उनको ओरिजिनल जजमेंट बताया जो सुप्रीम कोर्ट से आया, तो मैं बोला फिर ये आप इस तरह के फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं, कितना मिला, हाँ कब डाला था, मैं बोला उसमें तो लिखा है कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करो, पूरा पैसा दो। तो बोले नहीं मेरे को कोई ऑर्डर नहीं आया, ऐसा अच्छा मुझे कोई ऑर्डर नहीं आया। अभी यहाँ करीम भाई ये बात सिर्फ मेरे गौर से सुन लीजिए आप, जिसने केस रजिस्टर किया थाना जिला में उनको नहीं मालूम कि जमानत हुई, ठीक है, अभी जो इंचार्ज ऑफिसर है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसको नहीं मालूम भाई कि कोर्ट का क्या ऑर्डर है, ठीक है, और ये जो लोग बोल रहे हैं जो कयास लगा रहे हैं क्या भाई, जो गैब की बातें बता रहे हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा, वो ये करेगी वो ये करेगी वो ये करेगी, तो एक तरह से गलत हो गया भाई। फिर आप आदमी को पैनिक कर रहे हो, फिर लोगों को डिवाइड कर दे रहे हो कि तुम कंप्लेंटर है तो भाई तुमको तो मिल जाएगा, तुम बेफिक्र रहो, और जो नॉन कंप्लेंटर है उसकी जान अटकी हुई बेचारी की कि मेरा क्या होगा। अब नवेरा बोल भी रही है कि चाचा भाई मैं एक चाचा, एक, मुझे हाँ ये बताइए कि आपके जो हीरा गोल्ड फैमिली में होता क्या है कि हर कोई सरदार बनने की कोशिश करता है। आपा अभी बाहर निकल गई, आपा खुद वीडियो बना रही है, उसके बावजूद 4 वीडियो और बन रहे हैं जो ये बोल रहे हैं कि मेरी आपा से बात हुई, आपा ने ये मैसेज दिया, मतलब ये क्यों हो रहा है? आपने वो रिएक्शन पे मैंने को ऑडियो डाला था आपने सुना ना, मैंने उसमें बिल्कुल क्लियरली कहा कि जो फेवर में बोल रहे हैं उनकी भी मत सुनिए और जो अगेंस्ट बोल रहे हैं उनकी भी मत सुनिए भाई, यकीन कीजिए अल्लाह का
बराबर भाई हमारे मुकद्दर में होगा तो अल्लाह ताला ये पैसा हमको दिला देगा, और जो तुम्हारी मकरूज है वो कह रही है कि मैं देती हूँ, और तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है, तुम्हारे पास बैंक स्टेटमेंट है भाई, सब कुछ है तुम्हारे पास, तो फिर किस बात की फिक्र है यार। सिर्फ ये सोच लेना कि वो 6 हफ्ते में। हाँ बोलिए बोलिए। जिस तरह अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं या फिर दूसरे किसी की फैमिली बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, जो सहूलियत में है चाचा, मैंने बहुत लोग को ऐसा देखा है जिसके खाने के वांदे हैं, जो वो पैसे पे डिपेंडेंट है, उन लोग का क्या होगा देखो बेटा, अभी मैं चाचा? बहुत लोगों को जानता हूँ। इंतजार का एक लिमिट होता है। बिल्कुल सही है भाई, मैं भी इस चीज का कायल हूँ। मैं तो बहुत सारे वीडियोस बनाया कि भाई जो लोग बाहर हैं, नवेरा शेख अंदर है, हाँ पैसा अंदर नहीं है, ये सारे वीडियोस बनाए मैंने भाई, कि भाई पैसा तो बाहर है, तो हाँ आपके पूरा खानदान के लोग बाहर हैं, आप हाँ उनसे कहिए कि भाई वो लोग जो बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, परेशान हैं, जिनके घरों में जनाजे हुए हैं, उनकी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। लेकिन बराबर अभी उनका जो लास्ट वीडियो आपने देखा, उसमें उन्होंने कहा कि भाई साइनिंग अथॉरिटी मेरे पास है, होल एंड सोल मैं हूँ, मैंने किसी को कोई पावर नहीं दिया। बराबर सेम वर्ड चंचलगुड़ा जेल में इनकी माँ और बहन से मेरी बात हुई थी, हाँ उन्होंने कहा कि भाई एक फाउंटेन पेन भी हमारे नाम पे नहीं है, आप शायद थे मेरे एक्चुअली साथ। हाँ, मैं वो स्पॉट पे था। हाँ, एक फाउंटेन पेन भी हमारे नाम पे नहीं है, जो कुछ है नवेरा ने या तो कंपनी के नाम पे किया या खुद के नाम पे रखा है, बराबर वो आएगी वही देगी। यही बात अब्दुल अजीज ने अपने को बोला मदरसे में जब गए आप और हम, तो बराबर भाई हमको कुछ भी नहीं मालूम। जब मैंने बोला कि भाई तुम मुझे बताओ कि आपा जो बोलती है उसकी तुम लोग तस्दीक क्यों नहीं कर देते, एक वीडियो क्यों नहीं बना देते, आपके सामने की बात है। हाँ, तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम नहीं बोल सकते क्योंकि वो देंगी आके तो उनको ही मालूम है, कैसे देंगी, हम कुछ नहीं बोल सकते, ये आपके सामने की बात, आप गवाह हैं इस बात के। बराबर मतलब आपा ने ऐसा कुछ किया है कि मतलब दूसरा कोई अथॉरिटी नहीं है ये समझाने की कोशिश की है कि दूसरा कोई वीडियो नहीं बना सकता, लेकिन उसके बावजूद भी वीडियो बन रहे चाचा। देखो एक्चुअली क्या है भाई कि अब हर आदमी हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। अब तुम सलमान मिर्जा को, उससे पूछो तो सही कि भाई तुम कितने पैसे के इन्वेस्टर हो, तुम्हारा पैसा कितना है, तुम बराबर इन्वेस्टर हो कि तुम्हारी बीवी इन्वेस्टर है, और तुमको ये राइट किसने दिया, मैडम का कोई अथॉरिटी लेटर है तुम्हारे पास, बराबर और तुम्हारी बात का हम क्यों यकीन करें। बराबर बराबर मेरा वही अगर कहना है, तुमको मेरा वही कहना है। पास हर कोई आ जाता है, एक वीडियो बना देता है कि मतलब वो ऑथराइज्ड ही नहीं है वो। वही मैं कह रहा हूँ भाई कि एक जमाने में इसी शख्स ने मुझसे कहा था कि आप इतने कॉन्फिडेंटली क्यों बोलते हो कि मैडम पैसा देगी देगी देगी, बोले आप यू टर्न मारने की जगह बाकी रखो, कल कभी नहीं देगी तो क्या करोगे, अच्छा इसके मतलब अल्फाज थे। यूटर्न भी मारने की जगह रखो, ऐसा बोला ना? इसने खुद कहा था, इसको अपने अपने अल्लाह की कसम देके पूछ लो ये बात भाई। अच्छा तो उसके बाद जब इसकी जगह बन गई, हाँ इसकी जगह बन गई, आप आए करीब पहुंच गया, तो भाई जो अल्फाज मेरे थे, जो मैं बोलता था, जो मैं लोगों को यकीन दिला रहा था, तुमने बोलना शुरू कर दिया। हाँ तो यहाँ तो ये हुआ कि भाई लोग एक दूसरे को सीढ़ी बना के चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ने चल रहे हैं, बराबर वही हो रहा था। की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये चाचा तो यार पढ़ा लिखा भी नहीं है, बूढ़ा है, क्या थक भी जाता है, तो इसको गिराओ, अकेला आता है, इसके साथ कोई है भी नहीं। अब जितने लोग मेरे साथ सफर किए हैं, उन्होंने जो कुछ किया है, अल्लाह उनको देखने वाला है बराबर कि मैंने उनके साथ क्या किया, उन्होंने मेरे साथ क्या किया। बराबर वो सफर में जब आपने उनसे मिलाया था, वो लेडी का नाम क्या भाई, जिन्होंने कहा कि मैं मुमरा से इलेक्शन में खड़े होती हूँ चाचा, तुम हाँ मेरे को। यासमीन अरोड़ा, यासमीन अरोड़ा। जी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ अभी। तो वो जो स्टोरी थी, अगर मैं उनका साथ देता, हाँ भाई, तो हाँ मैं हीरो था, एक्चुअली मैंने हकीकत लोगों को बताई कि नहीं भाई तुम्हारे साथ धोखा हो जाएगा, तो मैं विलन हो गया। बराबर, लेकिन वही हुआ ना चाचा, यहाँ जिस यासमीन यासमीन अरोड़ा जब आई थी तो मैंने आपको हाँ क्लियरली बता दिया था कि सिचुएशन क्या है। तो उसके बाद में फिर वो इलेक्शन का कैंपेन चला, फिर उसमें भी कुछ साथ दिए कुछ नहीं दिए, तो हाँ ये सब होने वाला था, मेरे को पहले से पता था, इसके लिए मैंने आपको रोका अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ भाई कि आप कोर्ट का यकीन करना चाहते हो और उसको अंदर करवाना चाहते हो और ये चाहते हो कि भाई उसकी प्रॉपर्टीज बेच के पैसा मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी सी आपकी जल्दबाजी हो जाएगी, इसमें बहुत बड़ी बेवकूफी हो जाएगी कि कोर्ट का यकीन करके आप उसको दोबारा किसी भी तरह अंदर करवा दो।
ये बहुत बड़ी बेवकूफी हो जाएगी, क्योंकि वो पैसे की कोई उम्र नहीं है, उसके पास कोई डेट नहीं है कि कब देगी वो। अच्छा आप कोर्ट से क्या सवाल करोगे? आज तक 3 साल में आपके पास एक लॉयर नहीं है जो आप कोर्ट में खड़ा करके अपडेट दे सके। है आपके पास कोई लॉयर? अभी तक जो अपडेट मिल रही है आपको किससे मिल रही है बताइए मेरे को। जिनका 50,000 नहीं है इन्वेस्टमेंट, वो अपडेट दे रहे खड़े बराबर, एग्जैक्टली रह गए, वही बोल काले रहा पीले नीले हर कोई अपडेट दे रहा है। हूँ। बराबर। अच्छा हाँ, अभी जो आपके नई पास खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में शाने इलाही जो एडवोकेट है उन्होंने इंटरवीन किया है, तो हाँ इसके बारे में क्या बोलना है? हाँ तो उसके बारे में तो देखो भाई, उनकी फीस भी पूछ लो जाके। मीरा रोड से कुछ लोग गए थे, 40 लोगों का उनका ग्रुप है, अच्छा शमीम भाई हैं, मेरे दोस्त हैं। वो शमीम नहीं जिन्होंने एफआईआर किया था, ये हाँ भी एक शमीम है, टाटा टाटा मोटर्स में काम करते हैं, अच्छा करोड़ों रुपया इनका भी लगा हुआ है। तो ये गए थे उनके पास, बातचीत हुई, उन्होंने बोला भाई इतना इतना लूंगा, लाके दे दो पैसा, तुम्हारा नाम डालता हूँ। भाग के आए मेरे पास, बोले चाचा बहुत अच्छी खबर। बोला क्या? बोले ये। मैं बोला भाई एक बार तू पैसा दे देगा उसका काम हो जाएगा, तेरा काम कब होएगा? बराबर। मैडम छुट गई, लोगों ने मुबारकबाद के फोन किए। अरे बोला भाई तेरे को क्या मिला? 1 किलो शक्कर तो तेरे को तेरे घर में आई नहीं। मैडम जिस दिन पैसा देगी आपको हमको सबको, तो उस दिन हमारे घर में खुशी होगी भाई। बराबर है। और ये तो देखो भाई, जिसको आप कर्जा देते हो, कर्जा देते वक्त आपकी मर्जी है, वापस लेते वक्त उसकी मर्जी है। हाँ एग्जैक्टली। आप रिश्तेदारी में दो, दोस्तों में दो, किसी को भी पैसा दो, वो उसकी मर्जी से ही वापस करेगा भाई। और जब तक वो बहाना करता रहेगा आपको सबर करना है। चाचा एक चीज और क्लैरिटी दे दीजिए कि आपने कंप्लेंट किया नहीं किया, क्योंकि आपके दोनों तरफ बात चल रही है कि मतलब आपने कंप्लेंट किया, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं आपने कंप्लेंट नहीं किया, क्या है सच क्या है चाचा? देखो भाई, मैंने कंप्लेंट किया, बिल्कुल किया, और जिस दिन मैंने कंप्लेंट किया तो मैं तो गया नहीं था, मेरी औलादों ने जाके किया, अच्छा क्योंकि मैं मुझे मालूम ही नहीं था कि मीरा रोड में ईओडब्ल्यू अच्छा ट्रांसफर हो ईओडब्ल्यू गया है। हुआ है। हाँ। हाँ, तो वहाँ जो हाइट थी थाना की, आपने देखा ना ईओडब्ल्यू थाना का, तो वहां मैं चढ़ नहीं पाता था, मेरा दम घुटने लगता था, तो अच्छा मैंने छोड़ दिया था। बोला जाने दे भाई, नहीं करना अपने को। तो फिर ये जब अभी मेरे बच्चे बाहर से आए तो उन्होंने भागदौड़ शुरू की, और उनको मालूम पड़ा कि भाई हमारे घर से बिल्कुल पास हो, अच्छा 2 किलोमीटर पे ऑफिस है अच्छा अच्छा हमारे घर के पास। तो फिर वो गए, तो एक दिन में उनका काम हो गया, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो सब तैयार थे, बराबर। जाके उन्होंने रखे, कंप्लेंट हो गया उनका। जिस दिन कंप्लेंट हुआ सेम डे मैंने बोला कि देखो भाई, आपके कंप्लेंट करने से नवेरा शेख की 1 दिन की भी सजा बढ़ने वाली नहीं, बराबर उसके छूटने में 1 घंटा भी देर नहीं होगी, बराबर लेकिन आप रजिस्टर हो जाएंगे डॉक्यूमेंट्स में कि भाई आपने कंप्लेंट किया है। ये वीडियो है मेरा, बराबर आप देख सकते हैं उसको। मैंने चाचा एक कभी कोई राजदारी नहीं रखा, किसी को बेवकूफ नहीं बनाया। आज भी मैं ये कह रहा हूँ, तो सबसे बड़े अल्लाह हैं भाई, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, अल्लाह जल्ले जलाल हो अमन अवाल हो। अगर पसंद फरमाएंगे तो ये पैसा नवेरा शेख ही देगी और एक एक को देगी। बराबर। चाचा बस एक थोड़ा हमको एक चीज ये बताइए कि एजीएम मीटिंग होने वाला था, उसका क्या क्या है, उसके बारे में क्या क्या सोचते हैं आप? हेलो हेलो मियाद पूरी होती है, मैं भी कोशिश करूंगा, आप भी कोशिश करना, मैडम को सामने लाके बात करवा दो जैसे पहले वो करती थी। लेकिन अच्छा वो जब बोलेंगी तो लोग यकीन करते नहीं, काउंटर करते हैं। वो एक वीडियो बनाएगी, रिटर्न में 10 वीडियो आ जाएंगे, रिटर्न बराबर में 10 वीडियो आ जाएंगे। अरे भाई चड्डी बनियान में जो लोग वीडियो बना रहे थे, आज वो सूट पहन के वीडियो बना रहे। हाँ। तरक्की किया लोगों ने भाई, लेकिन इसमें तो मतलब उन्होंने तरक्की कर ली है। नवेरा नवेरा, एक एडवोकेट ने काफी फायदा उठाया था चल। हाँ मैं फिर सबके नाम लूंगा यार, फिर मेरे बुढ़े के पीछे लग जाएंगे सब। और ये जो कर रहा हूँ ना भाई, तो ये फोन कॉल जो आते हैं ना भाई, ये इसके वजह से मैं बोला यार एक वीडियो बना के लोगों को बता दो। अच्छा मैं आज भी कहता हूँ मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी बहनों, बेटियों, सबसे कहता हूँ भाई सब्र करो अल्लाह के लिए, सब्र चाचा आपका नेट शायद स्लो है।
करो और देखो ऐसा हेलो। अच्छा, बोलिए क्या बोल रहे थे आप। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि भाई नवेरा शेख हीरा गोल्ड का ही मसला जो है क्यों बार बार ये होता है कि उसकी प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी, ये मसला क्यों होता है भाई बताइए ना। और एक चीज में जो मेरा दिल मेरा मुफ्ती है ये मुझे कहता है, मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, सबसे कह रहा हूँ, जी सभी जी के लिए जी जी बात होती है भाई, पोंजी थी, एक का लेती थी दूसरे को देती थी। बराबर। अब एक मिनट के लिए भाई तुमने एक पोंजी काम शुरू किया तो तुम्हारा डीएसए भी कमीशन लेता है, एमए भी लेता है, ठीक है, और तुम बेनिफिट भी देते हो, ठीक है, फिर उसके बाद जो पुलिस है अगर तुम गलत काम कर रहे हो तो तुम उसको भी हफ्ता देते हो, बराबर। और जो पॉलिटिशियंस है जो बड़े बड़े मुंह वाले उनको भी तुमको देना है, बराबर पांच लोगों को पैसा जाता है, पांच लोगों को। बराबर। तो जब एक इन्वेस्टर का पैसा पांच जगह बटता है अगर, तो फिर ये प्रॉपर्टीज कहाँ से आ गई इतनी सारी यार, इसने एक का पैसा लेके पांच जगह बांटा। हाँ और जब उसको यहां से भागना ही था ये सब करके, तो उसकी प्रॉपर्टीज देखो तुम, उसके ऑफिसेस देखो, उसके बंगले देखो, उसके गोडाउन देखो, वो बिल्कुल मस्जिद जहां बनी वो जमीन देखो। आप तो सब यार मेरे साथ, हम दोनों ही थे, एक्चुअली कितनी जगह हमने देखे हैं। चाचा, आप मुझे एक चीज ये बताइए कि मतलब जो नवेरा आपा ने जो प्रॉपर्टी लिया था उसमें बेनामी नाम भी थे, बेनामी प्रॉपर्टी भी थे। हाँ डेफिनेटली होंगे भाई, कानून से बचने की कौन कोशिश नहीं करता, बोलो, जो संतरी मंत्री वो भी कानून से बचते हैं भाई। हमारा प्राइम मिनिस्टर भी अगर कुछ खोटा करता है तो दूसरे के नाम पे करता है, खुद के नाम पे करता है क्या? बराबर। तो हर आदमी अपनी सेफ्टी देख के करता है, मैं उसकी हिमायत नहीं कर रहा भाई, सुनने वालों सुन लो और देखने वालों देख भी लो, मैं कोई हिमायत नहीं कर रहा भाई, और मेरा सिर्फ मेरे अल्लाह पे यकीन है। क्या मुख्तसर वक्त है, जिंदगी कब खत्म मुझे वो भी मालूम नहीं। आज आपको आपसे बात कर रहा हूँ, कल शायद आप मेरी बात करेंगे यार, वो आखिरी वीडियो वही था उसका, जिंदगी चाचा का कोई भरोसा नहीं, ना चाचा मेरी ना टाइम आपकी। जी टाइम टाइम की किल्लत है चाचा, आवाम के लिए लास्ट मैसेज क्या है बोल दीजिए। बस भाई इतना कहता हूँ कि अल्लाह के लिए सब्र करो और दिन मत गिनो कि यार उसके 6 हफ्ते थे, इतने हफ्ते गुजर गए, इतने हफ्ते गुजर गए, इतने हफ्ते गुजर गए। बस ये दुआ करो जब भी आप मुसल्ले पे बैठो, या अपने अपने लिए खैर की दुआ करो या इनफरादी दुआ करो, तो दुआ करो कि अल्लाह उसकी मदद कर कि वो हम सबका कर्जा चुका दे, ये दुआ करो। अल्लाह खैर का मामला करे उसके साथ, हमारे साथ, और वो तमाम इन्वेस्टर्स जो बेचारे परेशान है, वो किसी भी फंड कंपनी से जुड़े हुए हों, सबकी अल्लाह मदद करे, ये दुआ कर दीजिए। और वीडियोस तो देखो भाई, जितने चैनल्स है उतने वीडियोस है, और एक आदमी ग्रुप बनाता है उस पर 200 आदमी से ज्यादा लोग हाँ अपनी अपनी राय डालते हाँ अपना हैं। व्यू रखते हर हैं। आदमी जो है, हर आदमी जो है उसकी आप राय सुनो तो आपको लगेगा कि वही सबसे बड़ा मुजाहिद है, सबसे ज्यादा मेहनत इसी ने किया है, इससे ज्यादा किसी को मालूम नहीं, ये जो बोल रहा है यही सच है। चाचा एक चीज है, मतलब हालांकि वो जितना जितना आपने रिसर्च किया है, जितना मैंने रिसर्च किया है, तो बहुत जी सारे लोग हैं जिनको मतलब उस कंटेंट समझता ही नहीं, मतलब क्या हो रहा है वो समझता ही नहीं, लेकिन फिर भी वीडियो बना दे देते हैं। अरे भाई एक आदमी मेरे को नाकसाब बोलता है तो उसको जितने चाहने वाले सब मेरे को नाकसाब बोलते हैं, उनको मालूम ही नहीं कि नाकसाब कितने बिलों में जा जा के वापस आ गया बेचारा, तो फुकट में दिया। एक्चुअली एक एक ट्रिप का खर्चा 30,000 40,000 आता 50,000 था रुपया था खर्च था था करके कपड़े लाल आके इनको फ्री में दिया मैंने, और इन्होंने मेरी माँ बहन की, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ। अरे भाई चल मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, यकीन मत कर, गाली क्यों दे रहा है, बराबर मैं बराबर। झूठ बोल रहा हूँ, मेरा डिसएग्री, यकीन मत हाँ करो। डिसएग्री करो। हाँ अब देखो लोगों के मिजाज में तुमको बताता हूँ, एक एक सेकंड लगेगा। एक आदमी रास्ते पे भीख मांग रहा है या कचरे में से रोटी उठा के खा रहा है तो अपन बोलेंगे साला नाटक कर रहा है, इसकी आदत हाँ है, रहम नहीं करेंगे, हाँ उसकी मदद नहीं करेंगे, बोलेंगे साला नाटक कर रहा है। एक एक्टर स्टेज पे टीवी पे या फिल्मों में एक्टिंग कर रहा है भूखे की,
अपन बैठ के रोना शुरू कर हाँ देंगे। एक्चुअली एक्टर को देख के यकीन करेंगे और हकीकत को देख के डिनाई करेंगे, बराबर बराबर ये हमारा यही होता मिजाज है। यही होता यही होता ह्यूमन टेंडेंसी यही होती हाँ, तो जितने एक्टर थे भाई, सबने उनका यकीन किया कि भाई ये सच्चा, अरे दिखने में भी हीरो है यार, ये बराबर ये चश्मा लगा के बात कर रहा है यार, और चाचा तो बुड्ढा है, झुक के बात करता है, बार बार अल्लाह का नाम लेता है, बराबर। तो तो चाचा लूं एक क्या? एक एक पॉइंट ये है चाचा, हाँ अभी भी कंप्लेंट एक्सेप्ट किया जा रहा है। लेकिन देखिए, 19 तारीख के बाद के जो कंप्लेंट्स हैं उनकी अहमियत वो नहीं है, हाँ वो अहमियत नहीं है जिन्होंने जो पहले हो गई है। पहले किया। ठीक है भाई, सेकेंडली ये बोलता हूँ कि इंशाल्लाह अजीम आने वाले दिनों में, मेरी जिंदगी का मुझे नहीं मालूम, आप लोग नौजवान हो, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, उम्र दराज करे, आप देखेंगे कि ये पैसा इंशाल्लाह, सुम्मा इंशाल्लाह, ये औरत ही देगी, अच्छा ये औरत ही देगी आपका पैसा। मेरा दिल कहता है भाई कि आमीन औरत देगी चाचा, पैसा। आवाम आवाम बहुत परेशान है, हम लोग भी यही कोशिश करते कि किसी हाल में आपा से पैसा बेटा दे दे। मैं 1 मिनट अगर कैमरा घुमाऊं ना तो तुमको मेरे घर की हालत में दिखा दूं, 1 मिनट मेरा हालात दिखा दूं। लेकिन चाचा और आवाम तो ये सोचते हैं आप बहुत सहूलियत में। हाँ, बहुत सहूलियत है भाई, मैं जिंदा हूँ, सलामत हूँ, मेरे पे कर्जा नहीं किसी का, ये तमाम सहूलतें हैं, मैं बीमार नहीं, मैं अस्पताल में नहीं, ये सब सहूलतें हैं भाई, मेरी नमाजें कायम है, ये सहूलत है, मैं तिलावत करता हूँ कलाम पाक की रोजाना, ये अल्लाह की सहूलत है, हजारों दरूद शरीफ मैं रोजाना पढ़ता हूँ, ये अल्लाह की तरफ से सहूलत है, इन सब का मैं ममनून हूँ, ये मेरी नियामतें हैं जो अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने मुझे दिया है। चाचा एक लास्ट मैसेज दे दीजिए चाचा आपकी तरफ से। लास्ट मैसेज है भाई, सबसे पहले मेरे लिए कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, सबर कीजिए, सबर कीजिए। ये रहेगा टाइटल। और हाँ आप ये चाहते हैं कि मतलब आवाम पैनिक ना हो, वीडियो देख के कोई कंफ्यूजन ना पैदा करे। अरे भाई, अब अपने कर्जदार का यकीन नहीं करोगे तो किसका करोगे यार भाई? अगर 3 साल मैं, दो साल तो चलो बर्दाश्त कर ही लिया, और एक टाइम सही। जी मिनट और लेता हूँ आपका भाई करीम, मैं ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ, बहुत दफा हुआ है कि लोगों ने पैसा लिया नहीं दिया, बहुत दफा हुआ है। क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजर गई, कर्जदारों के पीछे भागते भागते मैं बूढ़ा हो गया, समझे? अच्छा तो ये कर्जा आपने एक आदमी को दिया, आप उससे जाके आजीजी से बात करते 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 एक दिन झगड़ा कर लेते हो, क्या? एक बाजू वाला आता है, पूछता है क्या हुआ, तो आप बोलते हो यार पैसा लिया देता नहीं है, तो वो क्या करेगा, आपको पैसा देगा निकाल के? देगा नहीं देगा क्या? वो नहीं देगा, बोलेगा अरे भाई दे देगा, वो बोल रहा है ना देगा, हाँ देगा देगा, यार, हाँ तो देगा देगा। गाली देगी क्या मिलेगा तुमको, झगड़ा करेगी क्या मिलेगा, उस पर हाथ मत उठाओ, मारो मत भाई, हाँ बराबर जाओ जो बोल रहा हो तारीख को आना। तो कर्जा लेने का तरीका ये है भाई कि सुकून से रहो, अल्लाह से रुजू करो, अपना मुसल्ला बिछाओ, अल्लाह से मांगो, गिड़गिड़ाओ भाई, अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है, हो सकता है नबेरा के पास कुछ कम हो लेकिन अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है, अल्लाह से मांग के देखो, अल्लाह के पास जरिए बहाने सब कुछ है, बस अल्लाह से ताल्लुक जोड़ के देखो, अल्लाह से मांगने वाले बनो भाई, अल्लाह के पास किसी चीज की कमी नहीं मेरे भाई, ठीक है? और यकीन करना आपकी मजबूरी है, अगर यकीन नहीं करोगे तो भी अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारोगे, क्या भाई? और यकीन करोगे तो इंशाल्लाह अज़ीम आपके हाथ में नवेरा है, आज भी है, कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी, जब तक वो जिंदा है आप उस पर क्लेम कर सकते हो। यूं समझ लो भाई कि 3 महीने और जेल में ही थी वो, अच्छा अभी समझ लो वो रिलीज ही नहीं हुई। आपको यकीन करने के लिए आसान नुस्खा है कि भाई अभी वो छूटी नहीं है, चलो जेल में थी तो भी आप यही दुआ कर रहे थे कि यार एक बार आ जाए बाहर, एक एक बार बार आ बाहर आ जाए। जाए, बाहर आ जाए। हाँ लेकिन वहां तो जश्न बन गया चाचा, शहबाज के ऑफिस में हार वार पहना दिए, फटाके टूट गए। भाई, कुर्बानी के बकरे को भी हार पिनाते हैं अच्छा क्या, हाँ, सल्ला भी मारते? मतलब शहबाज भाई को आप कुर्बानी का बकरा बोल रहे हो। नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ भाई, शाबाश सर हैं, भाई नहीं, भाई थे कभी, अब मैं अच्छा उनको सर बोलता हूँ, क्या अब तरक्की कर लिए भाई, सूट वूट पहन के वीडियो बनाते हैं क्या, और ऊंची ऊंची बात करते हैं, अभी कोई नॉर्मल आदमी से बात भी नहीं करते हो, अच्छा तो बड़े आदमी हैं वो, अब उनसे मैं क्या कह सकता हूँ भाई। 2 3 बार उन्होंने ग्रुप में ऐड किया था तो मैं खुद ही एग्जिट ले लिया, मैं बोला अब इतने बड़े आदमी है मेरी हैसियत कुछ भी रही नहीं, एक्चुअली तो मैं बोला अब क्या बात करूं भाई उनसे।
मैं खुद ही छोड़ दिया। ठीक है चाचा, ये लेकिन जी 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 बोलिए बोलिए। बहुत सारे जेंटलमैन भी है ग्रुप्स में, बहुत सारे जेंटलमैन भी हैं भाई जो समझते हैं चीजों को, और किसी के फेर में मत आओ भाई। ये बोलेगा इतनी फीस दे दो, मैं कोर्ट में ये कर देता हूँ वो कर देता हूँ, अल्लाह तवक्कल करो भाई, जितना डाल दिया वही बहुत है, वही वापस आ जाएगा, चाचा, कोर्ट की और तरफ उसपे से, कहाँ खर्च। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक इनडायरेक्टली एक मैसेज मिला है, जो जो कंप्लेंट किया है उसको पैसा मिलेगा, तो जी बाद में भी कंप्लेंट हो रहे हैं, और उसके बाद में आपको लगता है कि शाने इलाके बस कोई नहीं गया, बहुत लोग गए चाचा। जान दीजिए ना अभी, देखो भाई हम किसी पे भी अपनी मर्जी नहीं थोप सकते भाई, किसी पे मर्जी थोप सकते, हर आदमी का अपना पैसा है, अपना जमीर है, उसका दिल उसका मुफ्ती है, क्या जिसको जो करना है अपने साथ करे भाई। वो बराबर, हम जो अल्लाह ने हमको तौफीक दी है, हम बोल रहे हैं हल्फिया बोल रहे हैं भाई, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बोल रहे हैं, हमको किसी ने 1 रुपया दिया नहीं मेरे भाई ये वीडियो बनाने के लिए, किसी की चाय हमने पी नहीं, घर से बाहर गई नहीं, अपने घर में बैठे हुए हैं भाई, बीमार रहते हैं, क्या हिम्मत भी नहीं है, ज्यादा देर कहीं खड़े भी नहीं हो पाते, सांस भी चढ़ता है हमको ज्यादा, बस इतना ही बोलते हैं भाई कि कर्जा वापस लेना है तो सब्र करना लाजमी है, सब्र करना लाजमी है। ठीक है चाचा, आपने अपना थोड़ा टाइम सा दिया चाचा, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी भाई, आप तो वो फाइटर हैं भाई जिन्होंने पहली बार मेरे सामने माइक किया, आप और चांद भाई थे, और मुझे ये इस काम में आपने डाला भाई, वरना मैं तो उस दिन सब कुछ रो धो के चला जा रहा था घर पे। एक्चुअली वो वीडियो काफी चला चाचा आपका। क्या बोल, मैं तो घर पहुंचा नहीं, मेरे घर वालों को उससे पहले ही आप लोगों ने वीडियो पहुंचा दिया था, देख लिया उन लोगों ने, वायरल भी हो गया वीडियो। हाँ वायरल भी हो गया था, मेरी जिंदगी पहली शायद वो फिल्म थी जो आप लोगों ने बनाई। चाचा ये कुछ लोग मतलब एंटी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये रोक टोक बात करता है, तो चाचा मैं तो मतलब एक मीडिया हूँ ना चाचा, मैं तो एक प्लेटफॉर्म हूँ, मैं तो मतलब जितना आवाम को सच पहुंचाऊंगा वही मेरा काम है ना, कि मैं क्यों झूठ बोलूँ। देखो भाई देखो मेरा भाई, बार बार ये बात मैं दोहराता हूँ फिर दोहराता हूँ, सुबह को सुबह, जोहर को जोहर, असर को असर, बराबर और मगरिब को मगरिब, अगर नहीं बोले वो आदमी को हम बोलेंगे साला पागल है, मगरिब बराबर हो गई फजर बोल, तो बराबर अगर हम सच नहीं बोलेंगे तो मतलब जो आदमी झूठ बोलता है वो खुद को धोखा देता है। एक्चुअली खुद आप किसको धोखा दे रहे हो झूठ बोल के, खुद को धोखा दे रहे हो आप, को धोखा दे रहा हूं। हाँ क्योंकि सामने वाला तो समझ जाता है थोड़ी देर में कि आप झूठ बोल रहे हो, आपने अपने आप को धोखा दिया, आपने अल्लाह को धोखा देने की कोशिश की आपने। चाचा मैंने बहुत सारे मतलब पॉलिटिकल केस हैंडल किए हैं, कभी कोई एमपी एमएलए से हमने कभी सर झुका के बात नहीं की है, जो उनकी कमियां हाँ उनके बारे में, मैं देखता हूँ उनकी बता, कमियां के ऊपर ही बात करते हैं, उनकी तारीफ पे हम लोग पहाड़ नहीं बांधते। तो वही मेरी ड्यूटी है, जब मेरे को सब लोग पसंद करते हैं तो मतलब यहाँ पे सच बोलने के लिए प्रॉब्लम, मतलब सच पब्लिक अरे मेरी जान अगर तुम चापलूस होते ना तो आज तुम नंबर 1 पे होते, एक्चुअली एक्चुअली तुम्हारे अंदर चापलूसी नहीं है, इसलिए वो क्या नाम है उसका यार, बीच में जो आरएसएस का एक वो आ गया था ना इसमें एंकर बन के, हाँ, वो नाम भी भूल गया मैं, नाम भूल गया मैं उसका, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, क्या तो उस दिन वो मैडम जेल से बाहर आने वाले थे तो रो रो के बोल रहे, बोले आज मेरी दिवाली है, बोले अरे अच्छा भाई तेरी दिवाली किसी भी मौसम में होती है क्या, या मुसलमानों की ईद बकरीद मोहर्रम सब चले गए, हाँ, हाँ दिवाली और आ बेचारे फूल लेके खड़े हुए हैं, ये खाली हाथ आके बोल रहा है दिवाली है, कभी बोलता है मैं उधर व्रत रखा हूँ इधर व्रत रखा हूँ, अच्छा या रमजान के रोजे रख के औरतें तहज्जुद में रो रही हैं कि भाई हमारी आपा को छुड़ा दो, वही हो रहा है चाचा, मतलब जो झूठ बोल रहा है तो वही चल रहा एक्टर है, एक्टर एक्टर का लोग यकीन एक्टर कर रहे हैं, एक्टर हकीकत को लोग ठुकरा रहे हैं, ठुकरा रहे, वही हो रहा है। मुसलमान औरतों ने नवेरा शेख पे जितना यकीन किया, अगर इतना सच्चे दिल से अल्लाह पे यकीन करते तो आखरत संवर जाती थी। आज भी मैं सच बोलता हूँ करीम, हाँ आज भी बराबर है, तुम्हारी बराबर चाची बराबर है। मेरे साथ नहीं नवेरा के साथ है, अच्छा अच्छा यूनुस चाची, की औरत, हाँ नवेरा यूनुस की के, औरत हाँ नवेरा के साथ है, अच्छा क्या जितनी औरतें हैं जितने से मैं मिलता हूँ मैक्सिमम औरतें हैं नवेरा के साथ, चाचा
भाई मैदान सामने है तुम्हारे, बराबर। जो दिल करे वो फैसला करो, अपने मुफ्ती की मानो, तुम्हारा दिल तुम्हारा मुफ्ती है, जो तुमको समझाए वो करो। बराबर है। चाचा को अल्लाह ने जो तौफीक दी चाचा ने भूल दिया, चाचा का नफा नुकसान जो भी है इसमें अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह जानता है। ठीक अल्लाह जानता है। है और चाचा। देखो एक केस, हाँ एक चाचा केस बोलिए और है, बोलिए बोलिए। ये गोल्ड एक्सप्रेस का आपने सुना होगा उसके हाँ बारे में गोल्ड भी, एक्सप्रेस अमीन का नाम तो सुना मालपुआ। है। हाँ। तो उसमें भी बहुत बड़ी रकम लेके भागा यहाँ से, वो साढ़े लेकिन छह सौ चाचा करोड़ की। ये सब मतलब आईएमए से स्टार्ट हुआ, आईएमए हीरा गोल्ड से स्टार्ट हुआ, बाकी जो छोटे छोटे कंपनी है सब में विड्रॉल डालना शुरू करते, तो छोटी कंपनी भी बंद करनी पड़ी। अब ऐसा था भाई कि बड़ा जहाज डूबा तो छोटे बोले कि भाई भाग लो जितना हाथ में आया है, कोई बराबर। प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी उन्होंने, कोई पीछे बैलेंस नहीं छोड़ा, क्या हाँ। सब लेके निकल गए। तो लेकिन और आज तक उनको पुलिस ढूंढ नहीं पा रही कि है कहाँ। अभी भी वांटेड ही शो कर रहे हैं। हाँ वांटेड शो कर रहे, अच्छा। तो यहाँ वो मसला नहीं है, यहाँ प्रॉपर्टीज है, नवेरा शेख है, हाँ, और उसका पूरा खानदान है, उसकी माँ बहन भाई तुम ढूंढो सब मिलते हैं, एक्चुअली सब है यहीं पे, हैदराबाद और बेंगलोर के बीच में है, बीच में अब ही है। तवाफ करो सब यहीं है। बराबर। ठीक है सर, और कोई ठीक है सवाल? चाचा। नहीं नहीं चाचा, बहुत बहुत शुक्रिया चाचा, आपने टाइम दिया। आप शुक्रिया बेटा अपने आपका, और सेहत का अल्लाह ख्याल रखिए, सलामत चाची का ख्याल। रखे अल्लाह आपको, और जो मेहनतें आपने की है अल्लाह उसका अजर आपको देवे, पाक परवरदिगार इंशाल्लाह दुनिया चाचा। में भी दे और आखिरत में भी दे, पाक परवरदिगार। बहुत मेहनत की आप लोगों ने, बस चापलूसी नहीं है आपके अंदर इसलिए इसके लिए पीछे है आपको चाचा, मकाम नहीं मिलता। हाँ हाँ थोड़े चापलूसी थोड़े होती थोड़े भाई, सच सच बोलने में, सच बोलने की वजह से थोड़े से बदनाम है, और थोड़े से नाम है मार्केट में, तो वो भी उसी की वजह से। देखो यार ऐसा है कि दौर जो है ना भाई, गांधी का दौर नहीं है, गांधी को तो नोट पे से भी हटा रहे, बराबर बराबर नथुराम गोडसे का दौर है भाई। बराबर आज गांधीवादी को लोग गालियां दे रहे हैं भाई, ये बराबर ठीक नथुराम गोडसे का दौर है। ठीक है, तो है चाचा। हम लोग पुराने लोग हैं ना सब, गांधी वाले। ठीक गांधी वाले। है बेटा, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कर दीजिए, जाहिल हूं अनपढ़ हूं, हमेशा आपने माफ किया है, इस बार भी माफ कर दीजिए भाई। शुक्रिया अगर चाचा। आपकी जी, चलिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।